इनका नंबर हमें दिया सिराज साहब ने, और सिराज साहब ने कहा है यार ये बड़े हमारे इलाके के मशहूर पकवान है। आपके घर पे दावतें होती हैं तो खाना घर में अम्मी बनाती हैं या बाहर से आता है? ज्यादा अम्मी बनाती हैं। ज्यादा अम्मी बनाती हैं। अच्छा, कभी ज्यादा लोगों की दावत हो तो कहीं ना कहीं देख लेते एक देख वाला है एक देख, तो हम लोग देख को ऑर्डर देते हैं इनको। सही है सिराज भाई, क्या ये ख्वाहिश है कि इनके इलाके के इस पकवान को हम कॉल कर लें? तो हम कॉल कर ही लेते हैं। अब ये कटाकट बिरयानी का ऑर्डर दें या बिरयानी का कोरमे का दें, किसका दें? बिरयानी का ज़्यादा कॉमन होता है ना बिरयानी। चलो भाई बिरयानी का ऑर्डर देते हैं हम। ओके हेलो सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। पकवान हाँ बात करो। अच्छा भाईजान ये एक ऑर्डर देना है ये बिरयानी का ना? हाँ। तो ये 70-80 लोगों का वो है, कितने किलो की सही रहेगी? 70-80 लोग होंगे। 70 लोग होंगे तकरीबन। दावत है छोटी सी। अच्छा अच्छा तो 10 किलो बनवा लो। 10 किलो बहुत होगी? बहुत जाएगी 10 किलो, और भी होगा ना साथ, एक्स्ट्रा कोई और चीज भी होगी ना, सिर्फ बिरयानी है तो? नहीं सिर्फ बिरयानी, अगर साथ में कोरमा शोरमा अलग घर में बन रहा है हमारे ना, घर में एक चीज घर में। 10 किलो कर लो, 10 किलो कर लो, बहुत है। 10 किलो बहुत है। अच्छा आप लोगों का भाई टेस्ट कैसा है ये तो बताएं। मैं कहीं से नंबर मिला था आपका, हमें नंबर दिया किसी ने कि आपका यार अच्छा है, उनके रिश्तेदारों के भी। बीफ बनानी है चिकन बनानी है ये बताओ? भाई बीफ में बछिए की, बछिए की बनानी है। लजीज तो बछिए की होती है असल। लफौड़े वाली चाहिए ना तुम्हें? हाँ ये मसाला ज्यादा तेज खाते हैं हम सारे ना, दिल्ली वाले हैं तो हम तेज मसाला खाते हैं। तो ये तुम्हें पड़ जाएगी फुल मिला के। अच्छा और अगर इसमें गोश्त कितना डालोगे आप ये तो बताओ, मतलब 6 किलो चावल हाँ? होंगे या क्या हिसाब किताब क्या होगा जरा थोड़ा समझा दो। हाँ यही हिसाब किताब होता है, हाफ हाफ का हिसाब होता है, 6-6.5 किलो हम बीफ डालेंगे, बचिए का होता है ना तो वो महंगा भी है और वो उसको बराबर भी करना होता है चावलों के साथ, तो ताकि कम ना पड़े ना वो कम हो चावल ना गोश्त कम हो। अच्छा अगर हम लोग आलू भी रखें बिरयानी बीफ बिरयानी में तो कैसा रहेगा? वैसे बीफ तो होता नहीं है आलू। नहीं वो चाह रहा हूँ ना आलू का भी मजा है बिरयानी में, आलू का मजा हमें आता है हम लोग जरा। तो आलू कितने डलवाए अंदाजा थोड़ा बता दो, इस 10 किलो की देख में आलू कितने होने चाहिए? भाई 10 किलो की देख में आलू कितने पड़वाएगा तू? डलवा ले यार 2.5-3 किलो डलवा ले आलू। 3 किलो? 3 किलो बस सही है, खराब कर देगा मीठा कर देगा सारे चावलों को मीठा। नहीं बस सही है फिर 2.5 किलो सही है। अच्छा अच्छा अगर मैं तो लोगों को बोलते ना ये मीठा भी है, लोगों को बोलते हैं मीठा भी और बिरयानी भी है। अच्छा नहीं है मजाक कर रहे हो आप मेरे साथ। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ मजाक आ रहा है, मजाक करते हैं हम लोग ऐसे यहाँ पे, अल्लाह माफ करे कोई तो बैठ के काम थोड़ी कर रहे हैं, अभी मजाक पे काम करते हैं हम लोग। अरे यार माशाल्लाह तभी मुझे नंबर दिया आपका, मुझे बोला भाई इससे बात कर लो अच्छा बंदा है, हंसी मजाक भी करता है। और ये नंबर दिया मेरा, तू बार-बार बता रहा नंबर दिया नंबर दिया, कैसे नंबर दिया मेरा? सिराज भाई है एक उन हमारे जानने वाले, उन्होंने शायद आपके घर आपसे ना पकवाया था अपने घर की दावत के लिए, तो उन्होंने नंबर दिया मुझे आपका। अरे लानत भेजो उनको, उन्होंने आज तक पैसे नहीं दिए हमारे, उनको नंबर दे रहे बस। अरे यार तुम तो नहीं हो ऐसी पार्टी, पैसे लेके शार्ट हो जाओ हमारे। नहीं 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 पैसे मैं भाई आपको दे दूंगा कोई मसला नहीं। अच्छा मुझे बताएं अगर मैं अगर गोश्त मैं दे दूं आपको 6 किलो खुद से तो कितने हो जाएंगे? तो कितने हो जाएंगे उससे दे दूं? मतलब गोश्त मेरा होगा तो चावल गोश्त के पैसे काट ले यार, आधे पैसे कम कर दे, आधे पैसे कम कर दो गोश्त के पैसे। अच्छा अगर मैं इसमें से गोश्त के पैसे काट दूं तो हाफ हाफ हो जाएंगे ना? हाफ हो जाएंगे। अच्छा अगर आलू भी मैं ही दे दूं आपको 2.5 किलो? दे दे भाई आलू भी दे दे तू यार, और भी चीजें दे दे हमारी घर की जरूरत की चीजें वो भी लिखवा दूं, वो भी ले आइयो साथ में। नहीं मैं यार ऐसा होता है ना मतलब ये भाई मेरी बात सुनो, ऐसा होता है ना इंसान खुद से गैस का लोड कम हुआ हुआ है इधर, तू मेरा ना बर्नर टाइट कर रहा है बंद कर रहा है मुझे। नहीं अच्छा बर्नर शॉर्ट कर रहा है तू। अच्छा मेरी बात सुनो, मेरे पास गैस नहीं आ रही, पार्टी को खाना देना है भाईजान मुझे। एक तो आपका नाम नहीं पता, मैं तो डायरेक्ट कॉल किया आपको, मैं तो आपको जानता नहीं हूँ, मैं आपसे रेट मालूम इसलिए कर रहा हूँ। नहीं पता नाम छोड़ो, तुम्हें क्या शराब कार्ड बनाना है मेरा? यार आप तो बदतमीजी कर रहे हो, क्या करना है भाई आप सुन तो लो। अच्छा अगर सुनो भाई मेरी बात सुनो, अगर चावल भी मैं दे दूं, चावल भी दे दे, आलू भी दे दे, गोश्त भी दे दे, आग भी दे दे, मैं
लगा तो दीजिए तूने मेरी आग और उसका चूल्हा उसका बर्नर भी तेज कर दे बना के खुद क्यों नहीं खा लेता हमारे क्यों सब आ रहा है ना तो बता दियो अच्छी बनी थी अबे भाई मान तुझे मारेंगे मुझे भाई मेरी बात सुन ले भाई भेज दे फिर पास अबे भाई मेरी बात सुनो पकवान मेरी बात सुनो यार ओ भाई मुझे सिराज ने ही नंबर दिया था उसने कहा था आपको कॉल कर लूं और आपको तंग कर दूं नंबर दिया नंबर सिराज ने नंबर दिया सिराज भाई ने किसने सिराज भाई ने नंबर दिया था उसने कहा था आपको ना मैं तंग क्या किया उसने क्या बोल रहा हूं उसने बोला आपको तंग करूं मैं क्या लड़की हूं मुझे तंग करेगा तू आ जा तंग करके देख ले पूरी भागेगा तू अबे भाई बहुत ही मेरे तो घर से बाहर नहीं निकलेगा तू और मुझे तंग करेगा ओ भाई माफ कर दे यार तू माफ कर दे भाई तू कटाकट शो से सैन बात कर रहा हूँ अबे कटाकट तू पकवान वालों बड़ी का ये तू चल भाई ओके अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज अबे कौन अजाब अजाब पकवान था ये तो अल्लाह माफ करे चिपक गया ये तो कॉल भी चिपक गया उसे मजा आ रहा था ना हाँ हाँ वो खेल रहा है उसको पता चल गया था कि कोई गेम है खेले जा रहा है खैर बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें